ओके क्लास, तो आज आप लोगों का क्या है, ब्रिज कोर्स है ना, और क्लास 9 और 10 दोनों बैठे हुए। तो ब्रिज कोर्स में आज हम लोग कुछ एक फंडामेंटल कुछ पढ़ने वाले। अब वो फंडामेंटल आपका जो आप लोग क्लास 8 से क्लास 9 में आ रहे हो या 9 से जो 10 में जा रहे हो, दोनों के लिए हेल्पफुल है। और ये बहुत ही ज्यादा बेसिक क्लास होगा, ठीक है। आप 6 में पढ़े हैं, 7 में पढ़े हैं, 8 में पढ़े हैं, दोनों बातें भूल गए होंगे है ना, नहीं फिर भी हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज, व्हाट यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी। पहला अब बहुत ही इंपॉर्टेंट, व्हाट यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी, कोई बताएगा मुझे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? एनी क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड। हां, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसको बोलेंगे बेटा फिजिकल क्वांटिटी, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड। जिसको भी हम लोग मेजर कर सके ना, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, हम लोग क्या क्या मेजर कर सकते हैं? क्या हम लोग टाइम मेजर करते हैं? यस सर। तो ये क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी हो गया। हम लोग टेम्परेचर मेजर करते हैं, तो ये हम लोग क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी। मास मेजर करते हैं, मास हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ऐसा बहुत सारा। जिसको भी हम लोग मेजर कर लिए ना, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब कहोगे सर ऐसा क्या है जो हम मेजर नहीं कर सकते, क्या है जो हम लोग मेजर नहीं कर सकते? अपनी भावनाओं को मेजर नहीं कर सकते, कर सकते हैं क्या? अपने एक्सप्रेशन को मेजर नहीं कर सकते, कर सकते हैं? अपने इमोशन को मेजर नहीं कर सकते, तो दीज आर नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। क्योंकि अभी हम सैड है, अचानक से कुछ देख लेंगे, मेरा मूड क्या हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा, या कभी हैप्पी है तो कुछ ऐसा दिख गया हमको चलते हुए कि अपना मूड क्या हो जाएगा, सैड हो जाएगा, तो उसको हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो जिसको हम मेजर करेंगे, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी जो होता है ना बेटा, वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, मतलब वी कैन डिवाइड फिजिकल क्वांटिटी इनटू टू पार्ट्स। बेसिकली दीज आर थ्री टाइप्स। बेसिकली आपका कितना टाइप होता है? थ्री टाइप्स होता है, लेकिन हम लोग अप टू 10 लेवल तक ना थ्री टाइप्स नहीं आते, 10 तक 12 लेवल तक भी पार्ट टाइप हम लोग यूज नहीं करते। लेकिन हम आज वो नाम बताएंगे तीसरा टाइप होता है, और आई थिंक मोस्ट ऑफ यू नो द नेम ऑफ थर्ड फिजिकल क्वांटिटी। सो पहला फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी। पहला क्या होगा? स्केलर। दूसरा क्या होगा बेटा? थर्ड वन इज योर टेंसर। क्या बोल रहे हैं आप लोगों को पता हो, बहुतों को पता है, तो जिसको नहीं पता कोई बात नहीं। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी एंड टेंसर क्वांटिटी, ठीक है। नाम सुना है स्केलर क्वांटिटी का? नहीं सुना। क्लास 8 से जो अभी 9th में आए, जो क्लास 8 से 9th में आए, उनसे पूछना चाहते हैं, आपको पता है बेटे कि व्हाट डू मीन बाय स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी? क्लास 8 से जो 9th में आते, क्या आप लोगों को पता है? नहीं पता। अच्छा, जो 9 से 10th में आ रहे हैं, आप लोगों को पता होगा क्या होता है बेटा? वेरी गुड। मतलब जिसको मेजर करने के लिए हमको क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए, मतलब डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं। अगर कोई ऐसा क्वांटिटी है जिसको मेजर करने के लिए हमको क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड। व्हाट इज मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड ऐसे समझो बेटा, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू होता है न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस SI यूनिट्स। अगर कोई टीचर बोल देना कि मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, तो नहीं, एग्जैक्टली नॉट न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ क्या होना चाहिए? यूनिट्स भी होना चाहिए। अब जैसे हम बोल देंगे कि वो जो है ना फोर्स लगाया 50, वो जो है तुम पे फोर्स लगाया 50, व्हाट इज 50? लेकिन अगर हम बोले कि 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो मेरे दिमाग में आया कि अच्छा 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, वो न्यूटन डिफाइन कर रहे हैं कि वो किसके बारे में बात हो रहा है, फोर्स के बारे में। अगर हम ऐसे बोले ना, हम जो है ना 20 चले, 20 क्या चले? 20 गज किलोमीटर मीटर सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे यूनिट डाल दिए, लेट अस सपोज अगर हम बोले कि हम 20 किलोमीटर ट्रैवल किए, हम 20 ट्रैवल किए, 20 क्या है? 20 टिकट है क्या? 20 यहाँ पे सिर्फ 20 कोई मीनिंग नहीं था, लेकिन हम यहाँ पे यूनिट डाल दिए, किलोमीटर डाल दिए, तो अब मेरे लिए मीनिंगफुल हो गया। अच्छा, 20 किलोमीटर का बात हो, तो दिस इज मैग्नीट्यूड। जिसको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, वैसे क्वांटिटी को हम लोग क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। दिस इज क्लियर?
अब इसका एक दो एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि हम यहाँ पे खड़े हैं और हम टाइम देख रहे हैं, ले अभी जो टाइम हो रहा है वहां पे 5:45 हो रहा है, जल्दी से 6:35 हो जाए तो 5:45 हो रहा है ना। अब समझो तुम देख रहे हो तो तुमको क्या 6:35 दिखेगा? अगर दिख जाए तो वहां पहुंच जाएंगे। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। अच्छा वहां पे क्या दिख रहा है? 7:45। तो हम निकल ही जाएंगे इंस्टीट्यूट से, टाइम हो गया भाई है? ऐसा है, है? तब तो थोड़ा सा ईस्ट में जाएंगे, जाके घड़ी दिखा लेंगे सर को, सर देखिए मेरा टाइम हो गया। ऐसा नहीं है ना। क्या टाइम डिपेंडेंट है? बहुत बड़े जोन में, अब ऐसे मत बोलो नहीं, गवार टाइप का पढ़ा है तुम लोग ज्योग्राफी में, टाइम जोन होता है, पढ़ा या नहीं पढ़ा? तो कैसे नहीं? अगर कोई कह देगा कि नहीं वो तो टाइम वैरी करता है जोन टू जोन, उसको समझाते ना भैया वो जीएमटी लेवल पर यूज करोगे ग्रीनविच टाइम वगैरह तब जाकर के होगा, है ना। तो अभी फिजिक्स का क्लास चल रहा है और ये क्लासरूम तक ही सीमित है, तो यहाँ पे ग्रीनविच टाइम वगैरह नहीं जा रहा। ठीक, आप देखोगे कि क्या यहाँ पे टाइम डिपेंडेंट है? नहीं है। तो टाइम कैसा क्वांटिटी होगा? स्केलर या वेक्टर? वेक्टर। अभी समझाए दे, स्केलर होगा ना। अच्छा दूसरा टेम्परेचर, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वहां पे वही टेम्परेचर है या नहीं है? क्या वो डिपेंडेंट है? अभी मत बोलना सर, हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक जाएंगे टेम्परेचर एक ही रहेगा? नहीं रहेगा, वो तो चेंज होता रहता है, ठीक है ना। अभी पर सर्टेन रीजन एक स्मॉल के लिए अप्रोप्रिएट। दूसरा, आपसे अगर हम बोलेंगे कि चल हमको जाना है तिलका मांझी और हम खड़े हैं दीप्रभा चौक के पास, कहाँ खड़े हैं? नहीं हम नहीं खड़े, दीप प्रभा चौक के पास जो है ना, रीत खड़ा है, ठीक है। इसको जाना है तिलका मांझी, कहाँ जाना है? तिलका मांझी जाना, लेकिन ये थोड़ा जो है ना थोड़ा महान हस्ती है, ये जो है ना सीधा जा सकता था लेकिन गया नहीं, ये पहले इधर से घंटाघर गया, ठीक है। घंटाघर से कचहरी चौक गया, कचहरी चौक से मनाली आया और मनाली से तब तिलका मांझी, घंटाघर कचहरी फिर मनाली फिर उधर। इसको पूरा बात ही समझा करके ना, इतना जल्दी कैसे? ये घंटाघर गया, घंटाघर से स्टेशन चौक गया, स्टेशन चौक से ऑटो पकड़ करके ये दिल्ली से हाईवे समझ रहे। मेरा कहने का मतलब क्या, ये जितना भी पाथ चूज कर रहा है, ये वाला पाथ चूज किया, लेट अस सपोज दिस इज योर पाथ 1, this is your path 2 and this is your path 3. ये हर एक पाथ आपका सोर्स मतलब स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट सेम है ना, लेकिन क्या एक ही पाथ से गया ये? मतलब उसके पास बहुत सारा रास्ता है, जब रास्ता है तो उसका लेंथ क्या होगा? अलग अलग होगा। मतलब पहले बार में वो डिस्टेंस कम कवर कर रहा है, इसके बाद यहाँ पे ज्यादा कवर किया, इसमें सबसे ज्यादा किया, तो डिस्टेंस जो होता है ना बेटा वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, वो किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो दूसरा एग्जांपल क्या आ गया? पहला तो आ गया टाइम, दूसरा क्या आ गया? डिस्टेंस आ गया, समझ रहे हो? टेम्परेचर, जो भी लिखना है मास, ये सब सारा क्या हो जाएगा आपका स्केलर पर। इज दिस क्लियर? मुझे लग रहा है समझ में आ रहा है थोड़ा सा, है ना। अब बात करते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, व्हिच रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। क्या क्या चाहिए इसको? मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, विच रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अच्छा मैग्नीट्यूड मिल रहा हमको, डायरेक्शन कहाँ से मिलेगा? अब सोचो, अब अगर हम बात करें वही चोर वाला एग्जाम्पल लेंगे, मेरे पास करेंगे वही एग्जाम्पल है, तो चोर वाला एग्जाम्पल लेते हैं और प्रीत को ही लेंगे। नहीं मान लो कि प्रीत मेरे डर से आगे भागे जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे प्रीत जो है आगे भाग रहा है, अब क्यों डर से भाग रहा है? क्योंकि ये होमवर्क नहीं किया, और यहाँ पे खड़ा है गोपी कृष्ण, ठीक। अरे ये बात हो रहा है ना 0 माइल चौक का,
या मान लो लेस लग रहा है ये चलो दिस इज ए और ये क्या है बी है अब ए भाग रहा है अब बी उसको कैच करना चाहता है अब सुन लो 0 माइल के पास आ करके तुम देखोगे कि वहां पे 4 पॉइंट होता है ना चार अलग अलग डायरेक्शन उसको मिल रहा है यहाँ पे एक भाई साहब खड़े थे मेरे जैसे आलसी कोई वो आधा नींद नहीं हो रहा ये इधर से कहाँ गया पता नहीं ये बी वाला आया इससे पूछा कि भैया उसको देखे भागते हो बोला हाँ देखे हैं और उसका स्पीड जो है ना 50 किलोमीटर पर आ उसे वो मेजरिंग का डिवाइस होता है ना वो मेजर करके बताया कितना कि उसका स्पीड क्या है 50 किलोमीटर पर आ अब बताओ इज दिस पॉसिबल फॉर बी टू कैच ए हाँ ज्यादा ले लो ना तुम इधर भागो बी तुम मान लो अपने आप को और तुम इधर भागो 60 किलोमीटर पर लेकिन ये उधर गया डायरेक्शन जरूरी है विदाउट डायरेक्शन के ये क्या है आपका ओनली स्पीड ये क्या है स्पीड वो स्पीड बताया लेकिन अगर वो वेलोसिटी बताता तो मेरे लिए क्लियर था अगर ये बोल देता कि 50 किलोमीटर पर आ टुवर्ड्स ईस्ट नाउ इट इज इजी टू कैच अब वो क्या करेगा ना ईस्ट डायरेक्शन में 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा और उसको पकड़ लेगा है या नहीं है क्लियर तो स्पीड के लिए हमको क्या चाहिए ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए बट वेलोसिटी के लिए हमको क्या चाहिए वेक्टर क्वांटिटी मतलब डायरेक्शन भी चाहिए समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत अभी बहुत कुछ आएगा एक्सेलरेशन आएगा डिस्प्लेसमेंट सब कुछ आएगा पढ़ेंगे हम धीरे धीरे पढ़ेंगे ये तो वेक्टर हो गया अब बात करते हैं टेंसर टेंसर के पास ना मैग्नीट्यूड भी होता है डायरेक्शन भी होता है क्या क्या होता है मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है लेकिन फिर भी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं सर ई का ई है कुछ तो है अब समझो क्या है हम क्या कर रहे हैं टेंसर के पास आपका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है बट ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं अब समझो कैसे लेट अस सपोज यहां से कोई करंट आ रहा है 5 एम्पियर ठीक है इधर से भी करंट आ रहा है आपका कितना 10 एम्पियर इधर कितना करंट जाएगा 15 डायरेक्शन भी है लेकिन हम लोग यहाँ पे सिंपल एडिशन कर दिए ना अगर ऐसा कोई क्वांटिटी है तो वो क्या हो जाएगा टेंसर क्वांटिटी और करंट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ टेंसर क्वांटिटी लेकिन आपको टेन का तुम क्या बताता है करंट को स्केलर क्वांटिटी होता है आप अपने बुक में देखो सर कैसे वेक्टर ना वेक्टर ना बताएगा फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल डायरेक्शन बिकॉज़ टेंसर क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी होता है जिसमें मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है But it does not obey the laws of addition of vector. ये जो है ना वैक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करेगा किसको फॉलो नहीं करेगा वैक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करेगा मतलब ये सिंपल एडिशन करेगा जैसे स्केलर ऐड करते हैं ना 2, 3, 5, 5, 6, 11 ऐसे ऐड करेगा वैक्टर का यूज नहीं करेगा ठीक है और वैक्टर को वो सिंपली ऐड नहीं कर सकता अभी अगर तुमको कोई बोले कि बेटा इधर जा रहा है 5 न्यूटन और इधर जा रहा है 5 न्यूटन बताओ टोटल फोर्स कितना है तो तुम कितना बोलोगे वेक्टर एडिशन होगा और तब फाइनल आएगा 5√2 न्यूटन कैसे अभी मत समझो बस अब समझा रहा हूँ कि वेक्टर एडिशन बिल्कुल ही डिफरेंट है तो ये सिंपली ऐड नहीं होता लेकिन टेंसर क्या होता है सिंपली ऐड होता है इतना समझ में आया अभी एडिशन एडिशन पे मतलब बस इतना समझो कि इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा डायरेक्शन भी होगा लेकिन इसको सिंपल ऐड करें तो सिंपल 5 + 10 कर दिए 15 एम्पियर चला गया मतलब वो कैसा क्वांटिटी है टेंसर का आई थिंक आई एम क्लियर यस यस इरेज करें कर दे प्लीज नोट इट डाउन अब अपना टॉपिक स्टार्ट हो रहा है फोर्स
ना, तो फोर्स क्या होगा? व्हाट डू मीन बाय फोर्स? फोर्स आर पुल, फोर्स आर पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना? फोर्स और पुल आपका क्या हो गया? फोर्स हो गया। और इसको डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी या फिजिकल डिस्टरबेंस विच कैन चेंज द शेप क्या बोल रहे हैं? इट इज अ फिजिकल डिस्टर्बेंस विच कैन चेंज क्या क्या चेंज करेगा? विच कैन चेंज स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट मैनेज करवा, डायरेक्शन साइज एंड स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है, ये एक फिजिकल डिस्टरबेंस है ना, ये डिस्टर्ब कर रहा है, और क्या क्या डिस्टर्ब कर सकता है? उसका शेप, उसके साइज, उसके डायरेक्शन और स्टेट ऑफ अ बॉडी। ये स्टेट ऑफ अ बॉडी मतलब सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड और गैस। अच्छा, तो एक काम करो, तुम्हें दीवार पे धक्का मारो, ये लिक्विड होना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, फोर्स का बात कर रहे हैं, आई करा टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, बढ़ा दो, दीवार दीवार नहीं रहेगा, तो गंगा मैया बन जाएगी, नहीं, नहीं, अच्छा सोचो, तब तो हम लोग जब चाहे एक मुक्का मारे, गंगा मैया बनी मंजल दिए, गैस होना चाहिए, इससे हीट लेंगे तो ये तब तो आइस नहीं, स्टेट ऑफ अ बॉडी करने का मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, समझना। हम क्या कर रहे हैं कि अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं तो वो क्या करेगा? शेप चेंज करेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा, साइज चेंज करेगा, और उसकी स्टेट ऑफ अ बॉडी दैट मींस कि वो रेस्ट में है तो उसको चेंज करेगा, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसको चेंज करेगा। अब हम लोग बात करते हैं, व्हाट डू मीन बाय यूनिफॉर्म मोशन। हम लोग वन बाय वन आज हम लोग जो है परत खोलेंगे, जितना जंग लगा हुआ ना सब हटाएंगे, बहुत हो गया, ब्रिज कोर्स है, एक बार जंग हट गया ना तो चाहे नाइन्थ में पढ़ो या टेंथ में पढ़ो, ये जो है ना सिर्फ और सिर्फ आपका बेसिक के लिए, जितना भी टर्मिनोलॉजी यूज हो रहा है ना आपका सारा का सारा यहाँ पे क्लियर होगा, थोड़ा डेप्थ में क्लियर होगा। ठीक, बताओ मुझे यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? प्रीत, आप मुझे बताइए कि व्हाट डू मीन बाय रेस्ट एंड मोशन, कैसे डिफाइन करोगे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में कोई ऑब्जेक्ट मोशन में? अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं कर रहा तो वो बॉडी क्या हो जाएगा? ओके, सो हम अभी क्या बोले कि रेस्ट एंड मोशन डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या? अच्छा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लोग क्या समझ रहे हैं, ये समझो कि मान लो कि तुम यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, ठीक है, और यहाँ पे कोई ट्रेन जा रही है और ट्रेन में दो पैसेंजर बैठा हुआ, लेट सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी। अब समझो ये ट्रेन तो आगे बढ़ रही है ना, अब मुझे बताओ इसके रिस्पेक्ट में ये दोनों क्या है? ए के रिस्पेक्ट में ये दोनों का पोजीशन चेंज कर रहा है ना, इसके रिस्पेक्ट में ये दोनों क्या कर रहा है? पोजीशन चेंज कर रहा है। विद रिस्पेक्ट टू ए, बी एंड सी आर इन मोशन। अब बी सी के रिस्पेक्ट में क्या है? वो रेस्ट में, क्योंकि वो बैठा और ट्रेन चल रहा है। बी सी के रिस्पेक्ट में क्या है? रेस्ट में, रेस्ट में वो बैठा चल रही है, ट्रेन चल रही है सर, वो तो बैठा है। अच्छा, वो चल रही है, ट्रेन चल रही है, वो तो बैठा हुआ है। अच्छा, एक काम करो, तुम स्लाइडर पे बैठो, स्लाइडर घूमते रहे तो तुम तो बैठा हुआ है, तो रेस्ट हो गया। नहीं, आप किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं वो डिपेंड करता है।
अभी यहाँ पे आप ए के रिस्पेक्ट में देखते थे तो आपका क्या हो रहा है, पोजिशन चेंज हो रहा है, तो मोशन हो गया। लेकिन बी और सी के बीच में देखोगे पोजिशन तो चेंज ही नहीं हो, पोजिशन चेंज हो रहा है क्या? इसका मतलब वो दोनों क्या है? अब सोचो एक इंसान दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन में और एक दूसरा भी बैठा हुआ उसके रिस्पेक्ट में क्या है? रेस्ट में है ना। इसका मतलब क्या हुआ? ये डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे कि आप किस रेफरेंस से देख रहे हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस से का मतलब हो गया कि आप एज अ ऑब्जर्वर वहां पे बैठ के देख रहे हो। अभी हम क्या बात की ग्राउंड पे, तो हम ग्राउंड से देख रहे हैं अच्छा ट्रेन जा रही है मतलब मोशन। अब फिर हम एज अ ऑब्जर्वर ट्रेन पे बैठ के देखे तो अच्छा ये दोनों तो अपना पोजिशन ही चेंज नहीं कर रहा, मतलब दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है? रेस्ट। समझ में आया? बहुत अच्छा तुम लोग दिल जीत गया। अब यहाँ पे आ जाते हैं, बहुत दिल जीत गया। अब यहाँ पे आते हैं यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म क्लियर ना? यस सर। बात करते हैं हम लोग फोर्स का, तो फोर्स का टाइप कितना होता है बताओगे मुझे कोई? अच्छा ये शेप चेंज करता है क्या? ब्रीफ कहेगा सर एक बार उसको मुक्का मारते रहे कि देखिए शेप चेंज होगा। शेप चेंज होगा ना? कंफर्म है सर शेप चेंज होगा? अरे वो कह रही है शेप चेंज नहीं होगा। अच्छा हो जाएगा नहीं होगा आटा गूंथने वाला उसको डो जो भी करते हैं हमको तो आटा गूंथना पड़ता है ना। एक दो बार गूंथते हैं तो काफी कॉमेडी टाइप का लगता है। हाँ एक दो बार रोज क्यों भाई को पैसा इसी तरह फालतू दे रहे हैं? अच्छा इतना कमाई कर रहे हैं तो अपने से खाना बनाने के लिए। तो दूसरा चीज कि सेप चेंज होगा साइज चेंज होगा? कहे सर हम आपको मुक्का मारे तो आप नाटा से लंबा बन जाइएगा? नहीं ऐसा वाला साइज चेंज नहीं होगा ठीक है नहीं होगा। लेकिन हाँ अब आप देखो आप लोग लोहा को देखो कभी लोहा के पास गया होगा और वो जब उसको गर्म कर रहे तो उसको देखो कि एक थीन वायर बना करके उसके रेंज को हम लोग क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं। अब वो लोहा जो ब्लैक स्मिथ है वो क्या अप्लाई कर रहा है? फोर्स अप्लाई कर रहा है ना बाय यूजिंग हैमर। यस सर। करता है नहीं करता? तो अब बताओ फोर्स के कारण उसका साइज चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है। ठीक थर्ड डायरेक्शन का बात करेंगे कि मान लो कि हरभजन सिंह बॉलिंग कर रहा है और उधर सामने गेल भाई साहब है ना। अब सोचो इधर से बॉल आ रहा है और हम इधर से बैटिंग कर रहे हैं तो गेल बैटिंग कर रहा है बॉल इधर से आ रहा है ना। और जब बैट्समैन बैटिंग कर रहा है तो उसका डायरेक्शन को चेंज किया या नहीं किया? तो बैटमैन फोर्स ओनली उसका डायरेक्शन क्या हो गया? चेंज हो गया। तो सोचो सेप साइज डायरेक्शन स्पीड सारा कुछ चेंज कर देगा कौन? फोर्स कंप्लीट। अच्छा स्टेट ऑफ रेज अगर कोई बॉल आता है बहुत ज्यादा जोर से और आप उसको कैच कर रहे हो तो आप उसको क्या कर रहे हो? रेस्ट में ला रहे हो ना। बाय अप्लाइंग फोर्स किसी मोशन को बॉडी को जिसके अंदर मोशन है आप उसको कहाँ पे ला रहे हैं? रेस्ट पे ला। अब कोई फुटबॉल रखा हुआ जाते जाते किक मार दिए अब क्या हो? बेचारा रेस्ट में था तुम उसको मोशन मिला दिए। अच्छा कोई मान लो कि कुत्ता बैठा हुआ तुम जाके सीटा मारो तुम क्या किया? अपना एनर्जी उस ईटा में डाला वो ईटा उतने एनर्जी उसको डालने के लिए गया लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करेगा उसके पहले भाग जाएगा। इज दिस क्लियर? तो बस 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 अब आगे बढ़े टाइप्स ऑफ फोर्स नोट इट डाउन प्लीज। अब टाइप्स ऑफ फोर्स दो तरह का फोर्स होता है कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अच्छा मुझे ये बताओ कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है? जो कॉन्टैक्ट ब्रीथ करा सर ये कॉन्टैक्ट ये नॉन कॉन्टैक्ट क्या है भाई? अच्छा यही होगा व्हेन टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर ना देन दे
applied force on each other, and that force is known as contact force. Yes. Quick example. आप किसी को एक हिंट मार दिए वो कॉन्टैक्ट फोर्स मैग्नेट मैग्नेटिक और कोई अरे खड़ा हाँ कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है जो दूसरे बॉडी के कॉन्टैक्ट में आता है अच्छा ऐसा फोर्स कोई भी एक एग्जांपल बताओ कोई किसी के पास आंसर नहीं है ग्रेविटेशनल फोर्स अच्छा एक मैग्नेटिक फोर्स आता और समझ गए आप बट पहला फ्रिक्शनल फोर्स पहला कौन सा फोर्स होगा फ्रिक्शनल फोर्स दूसरा फोर्स अब तो कैसा दूसरा फोर्स कौन सा होगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ठीक है तीसरा अब तीसरा हो ही नहीं सकता हो सकता है क्या टेंशन फोर्स स्प्रिंग फोर्स और कुछ हो सकता है हाँ नहीं सर अब ज्यादा नहीं हो जाएगा ज्यादा नहीं इतना ही रहते अब समझो हर एक फोर्स का अपना अपना है और याद रखना कि ये फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड भी होगा साथ साथ क्या होगा डायरेक्शन भी होगा डायरेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है देखो पहला ही क्लास में आपने पढ़ाई बात करें हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में चल ये सब पढ़ा है ना एट्थ में टाइप ऑफ फोर्स नहीं पढ़ा है चार पेज का चैप्टर था फोर्स एक और बस एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक में फोर्स और दो में टाइप दो को टाइप ठीक है उनको चर्चा ना पात्रा सेट अभी आएगा रुको चल फ्रिक्शनल फोर्स देखते हैं फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ आता है कि जब आपका कोई बॉडी मोशन में आता है ना तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस द मोशन फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा बॉडी में अपोजेस द मोशन तो लेट अस सपोज दिस इज अ ग्राउंड ये आपका क्या है ग्राउंड है और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट को रख ऑब्जेक्ट बक्सा को रख और इधर से हम लोग क्या कर रहे हैं फोर्स लगा रहे लगा रहे अच्छा जितना हम लोग फोर्स लगाते क्या उतना मूव करता है नहीं वो आपने उसको हटा तो कुछ ना कुछ आपका फोर्स जो है ना कहीं आपका लॉस हो रहा है आपका जो एनर्जी अप्लाइड हो रहा है वो 100% एनर्जी लूज नहीं हो रहा अच्छा सोचो ना कभी कोई भारी बक्सा है और तुम फोर्स लगा रहे वो नहीं हिल रहा इसका मतलब क्या लॉस कि तुम फोर्स तो लगा रहे हो ना एनर्जी तो दे रहे हो लेकिन वो एनर्जी कहाँ गया क्योंकि आपको पता है कि अगर हम कहीं पे एनर्जी अप्लाई करेंगे तो वहां कुछ ना कुछ तो वर्क होना चाहिए लेकिन यहाँ पे तो कोई वर्क ही नहीं हो रहा तो अपना एनर्जी गया कहाँ ओवरकम करने में और किसको ओवरकम करने में फ्रिक्शन को ओवरकम करने समझ में आ रहा है तो आप फोर्स बढ़ाए और बढ़ाए फिर भी नहीं मूव किया और बढ़ाए मूव नहीं किया लेकिन आपको एक समय ऐसा लगेगा कि हम थोड़ा सा फोर्स बढ़ा देंगे मूव कर जाए ऐसा लगता है ना जब किसी चीज को धक्का दे रहे होते हैं तो अब लग रहा है कि अब ये जो क्या है मूव करेगा ऑन द वर्ज ऑफ मोशन ठीक है तो आपको पता चल जाएगा अच्छा ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है इसके बाद अगर हम लोग बढ़ा दिए तो मेरा बॉडी क्या कर रहा है मूव कर रहा है अच्छा मूव करने के बाद भी अगर आपका प्लेन पॉली सरफेस है तब तो बहुत दूर तक गया अच्छा मान लो इस सरफेस हम लोग बॉल को रोल करेंगे क्या ये चलता जाएगा अगर ऐसे सरफेस पे हम लोग बॉल को रोल कर रहे हैं तो क्या ये चलता जाएगा कंटिन्यूअस नहीं रुक जाएगा क्यों रुक रहा है क्योंकि वहां कोई ना कोई एक फोर्स है जो कि उसकी एनर्जी को क्या कर रहा है कम कर रहा है ना उसको रोक रहा है अपोज कर रहा है तो वो कौन अपोज करता है फ्रिक्शनल फोर्स समझ में फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज अपोजेस द मोशन तो अगर ये फोर्स इधर लगाती है इधर बढ़ना चाहेगा ना आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है
और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। समझ में आया? तो पहला क्लियर है फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा, इसका फॉर्मूला पेपर जाने क्योंकि ये हाई लेवल के लिए फिर भी बता देते हैं। F is equal to mu s n होता है, where mu s is equal to coefficient of static friction। तो वही कह रहे हैं कि अभी जरूरत नहीं है फॉर्मूला को जानने का, तो लेवल में जा रहा हूं। तो F is equal to क्या हो जाएगा, mu s n। दूसरा का बात करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नहीं, नाम सुना है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का? नाम सुना है आरती? नाम सुनिए नहीं, पूरा फोर्स पढ़ ली ना, नहीं सुनिए नॉर्मल रिएक्शन का। तुम लोग तो सुना होगा क्योंकि हम तो पढ़ा है, सुना है ना, फिर भी हम पढ़ाते हैं। आदत है ना ज्यादा देने का, ज्यादा पढ़ाने का, वही चीज। हाँ, नाम को ऐसा आदत मंजूर नहीं, वो कम पढ़ने। चल यहाँ देख पहला। अच्छा, इसमें एक और फोर्स का नाम बोल रहा है, वेट। W is equal to mg। अच्छा, कहीं पे रफल दम तो वेट आएगा, हवा में नहीं ना आएगा क्या? तो यहाँ पे रखे तो आपका वेट किधर लगेगा? अभी अगर हम लोग इंक्लाइन प्लेन लेंगे, लेट सपोज ये इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, तब ये किधर लगेगा? इधर। लेकिन ये इधर जा रहा है, एक एम जी कॉस थीटा, इधर आ जाएगा एम जी और इधर आ जाएगा एम जी साइन थीटा। मतलब हम लोग अलग अलग निकालते हैं, तो ऑलवेज किधर लगेगा ये टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ये सर्टेन एंगल पे भी है ना, फिर भी वो किधर लग रहा है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। एक और एग्जांपल देते हैं, मान लो कि ये कोई अर्थ है, ठीक है, और अर्थ पे यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, तो इसका वेट किधर? सेंटर की तरफ। ये बंदा अगर यहाँ पे आ गया तो सेंटर की तरफ, यहाँ पे अगर कोई है तो सेंटर की तरफ। तो इट ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। क्लियर? ये दो फोर्स क्लियर हो? नोट इट डाउन प्लीज। नाउ द फर्स्ट थर्ड फोर्स, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब सब हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ की पढ़ा होगा तुम लोग, सब क्लास एट वाले भी जानते ही होंगे न्यूटन थर्ड लॉ का, क्लास नाइन वाले। एवरी एक्शन हैज एन इक्विवेलेंट ऑपोजिट रिएक्शन। अब ये मत बोलना कि तुम हमको मारो तो हम भी मारेंगे, ये न्यूटन थर्ड लॉ, ये न्यूटन थर्ड लॉ नहीं है, ये कलयुग का फोर्थ लॉ है। तुम अगर उसको एक दोगे तो हम सूद से दो देंगे, ये फोर्थ लॉ। लेकिन न्यूटन भाई साहब थर्ड तक ही बताया। अब वो क्या बताया सुनो, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और ये जो पहले क्या होगा, एक्शन होगा देन रिएक्शन होगा, और दोनों दो अलग अलग बॉडी पे एक्ट करता है। किसपे करेगा? दो अलग अलग बॉडी पे सेम टाइम में एक्ट करेगा, इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा। अब सोचो तुम जैसे यहाँ पे स्लैप करो, ठीक है, तो आपका हाथ जो है इस गाल पे फोर्स लगा रहा है, दैट इज एक्शन, और ये गाल भी आपके इस हाथ पे फोर्स लगा रहा है, दैट इज रिएक्शन। तो देखो एक ही टाइम हुआ और दोनों अलग अलग बॉडी पे लगा, एक आपका कहाँ पे लग रहा है? गाल पे, और दूसरा कहाँ पे लग रहा है? हाथ पे, है ना। तो यहाँ पे समझो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी आपका क्या है, बॉडी सिग्निफाई कर रहा है कि ये रिएक्शन फोर्स, बॉडी का सिग्निफाई कर रहा है ये, मतलब कुछ ना कुछ तो एक्शन हो रहा होगा। तो देखते हैं एक्शन कौन सा हो रहा था। मान लो कि ये कोई टेबल है और इस पे एक बुक रखा हुआ, ठीक है। अच्छा, अगर किसी पे बुक रखा हुआ है तो ये क्या करेगा, अपना वेट तो नीचे लगाएगा, W is equal to mg, हाँ, और
ऑलवेज अकरिंग पेयर, फोर्स जब भी आता है आपका पेयर में आता है, अकेला नहीं आएगा, वो अपने साथ अपना एक पार्टनर लेकर के आता है, हमेशा याद रखना। तो अगर ये इस पे फोर्स लगाएगा तो ये इस टेबल के लिए क्या हो गया, एक्शन हो गया। समझो ये बुक है, अब बुक जो है टेबल पे फोर्स लगा रहा है, तो ये जो बुक अप्लाई कर रहा है फोर्स, वो टेबल के लिए क्या हो गया, एक्शन हो गया। अब ये कंफर्म है ना, फोर्स किस पे, तुम बैठे कहाँ पे हो, बेंच पे बैठे हो, तो तुम्हारा वेट किस पे अप्लाई हो रहा है, बेंच पे। अब वो बेंच तुमको बैलेंस करने के लिए एक और फोर्स लगा रहा होगा, अगर बेंच फोर्स नहीं लगाता तब तो तुम आराम से नीचे गिरते, अगर ऐसा होता तो हम लोग एयर मॉलिक्यूल्स में बैठ जाते, लेकिन एयर मॉलिक्यूल्स क्या हमको बैलेंस कर पा रहा है, नहीं ना। टेगोफॉर में क्या होता है कि एक इधर से फोर्स लगा रहा है, किधर से फोर्स लगा रहा है, जब तक इक्वल है नहीं मिल रहा, और जिधर फोर्स ज्यादा हो उधर चला जाएगा, होता है ना। यहाँ पे देख, ये एक्शन अप्लाई किया तो ये टेबल भी इस पे फोर्स अप्लाई करे, और उसी को हम लोग करते हैं एंड दैट मीन्स की नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई होता है टू बैलेंस द वेट। अगर आप कहीं वेट अप्लाई कर रहे किसी ऑब्जेक्ट पे, तो वो क्या करेगा, रिएक्शन लगाएगा, और दैट इज योर परपेंडिकुलर फ्रॉम द सरफेस। हमेशा याद रखना इसका जो डायरेक्शन होगा ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, जिस सरफेस के कॉन्टैक्ट में है उसके वो क्या लगाएगा, परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा। तो ये देखो ये सरफेस के कॉन्टैक्ट में है, तो इसके परपेंडिकुलर किधर जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है। अब इस वाले केस को समझो, तो ये है ना आपका ऑब्जेक्ट इधर, अरे लिखना बात पहले समझ लो, लेट सपोज ये कोई इंक्लाइन प्लेन है और इस पे कोई ऑब्जेक्ट है, तुमको तो पता है कि वेट किधर आएगा आपका, इधर ही काम हुआ टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ है ना, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन किधर लगता है, देखो तो है ना। अब इसको इंक्लाइन किया तो परपेंडिकुलर किधर गया, इधर गया, आ रहा समझ में। जब तुम ये सरफेस को टिल्ट कर रहे हो तो परपेंडिकुलर भी तो टिल्ट होगा, देखो कॉन्टेक्ट में लग करके बैठे टिल्ट हुआ, वही चीज तो हो रहा है, तो परपेंडिकुलर भी जा गया, और नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट, तो नॉर्मल रिएक्शन इधर, और इसके अपोजिट में कोई फोर्स है नहीं है, उसके अपोजिट में फोर्स एक आएगा और वो होगा आपका एमजी कॉस थीटा, ठीक है। आगे देखेंगे, अभी तुम लोग के लेवल करने के, बस ये समझो कि इसको बैलेंस करने के लिए mg का एक फोर्स इधर लगेगा, ठीक है, दैट इज mg फोर्स। क्या नॉर्मल रिएक्शन समझ में आया, ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, प्लीज नोट इट डाउन। द नेक्स्ट फोर्स इज टेंशन फोर्स, और ये देखो क्लास 10 में जो जा रहे हैं ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मशीन चैप्टर भी इसी का यूज है, चैप्टर 3 आप लोगों का मशीन है और इसमें इसका टेंशन का यूज होगा। तो चलो समझते हैं टेंशन क्या होता है, सर जो टेंशन दे, जो टेंशन दे उसको हम लोग क्या करेंगे, टेंशन फोर्स है ना। अच्छा ये फोर्स क्या क्या टेंशन दे सकता है, कहाँ कहाँ दे सकता है, ये बस दो ही जगह टेंशन देता है, या तो स्ट्रिंग में या नहीं तो रोप में, मतलब फोर्स ड्यू टू स्ट्रिंग और रोप। जब आपका स्ट्रिंग और रोप पे कोई फोर्स अप्लाई होता है ना, और इसको हम ये भी कह सकते हैं ये एक तरह से क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स है, क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स। एक मिनट के लिए सिर्फ समझ लो और सुन छोड़ दो। अच्छा किसी रस्सी को ना आप लोग देखोगे कि रस्सी को आप यूं ही नॉर्मल छोड़ दोगे तो हल्का उसमें स्लैक रहेगा, रहता है नहीं रहता, मतलब बहुत ही ज्यादा वो टाइट नहीं होता, वो हल्का स्लैक होता है ना। अच्छा इसी में अगर आप स्टोन को टाई कर देंगे तो बिल्कुल, तो
अच्छा रस्सी चाहे करके हम अपने ओरिजिनल पोजीशन पे जाए, अपना पोजीशन को गेन करे, तो वो गेन करने के लिए क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो ये जो फोर्स लगा रहा है ना, दिस इज पोटेंशियल फोर्स। तो ये फोर्स कौन लगा रहा है? रस्सी लगा रहा है ना। टेंशन याद रखना, या तो स्ट्रिंग या तो रोप में जो फोर्स होता है वो कौन सा होता है? टेंशन फोर्स। इज दिस क्लियर? कोई दिक्कत है? ओके।